हे अभिमान, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? जाओ भाई सारे जल्दी। मतलब तो बहुत ज्यादा ही बिजी लग रहे हैं बच्चे। मेरे कहाँ बिजी हो भाई? आज तुम सारे सारे दिन में भी गायब थे, अभी भी गायब हो। कहाँ गायब हो? कितना हाईजेक कर लिया तुमने? जल्दी बताओ। बढ़िया अमेजिंग सेशन हम लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद तुम लोग गायब रह रहे हो, तो कैसी बात चलिए भाई। हाँ चल, हेलो, जल्दी आ जाओ भाई सारे के सारे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सिंचन, अमन। हाँ चल, जल्दी आ जाओ भाई। खुशी गुप्ता, हाय। हेलो सौम्या, हेलो बेटा, जल्दी आओ भाई सारे सारे बच्चे। क्या कर रहे हो? जल्दी से आ जाओ बच्चों। मैं आप सभी को बता दूं, दिस इज माय कोड कुणाल, ठीक है? यू कैन यूज दिस कोड एंड यू कैन गेट अ फ्लैट 10% ऑफ ऑन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस। ठीक बच्चों, माय नेम इज राहुल शर्मा, यू ऑल आर वेलकम टू द क्लास। एंड मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं कोटा के अंदर। दिस टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है? सो दैट यू कैन गेट द लिंक्स ऑफ द सेशन। एंड हम आगे चले तो यू कैन आस्क योर डाउट, अनलिमिटेड डाउट, यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जस्ट गो टू आस्क डाउट सेक्शन, गेट हाई क्वालिटी वीडियो, रिसीव एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैचेस, ऑब्टेन एक्यूरेट सॉल्यूशंस, ठीक है? जस्ट गो टू दिस ऑप्शन, आस्क योर डाउट एंड पोस्ट योर डाउट, ठीक है? क्लिक द पिक्चर, क्रॉप द पिक्चर एंड पोस्ट इट। चलेंगे आगे, चलेंगे। गुड इवनिंग बच्चे अश्विन, गुड इवनिंग अश्विन राठौड़। और अभी बच्चे एक ऑफर चल रहा है सिबलिंग के लिए, ठीक है? आपके सिबलिंग को भी आप लोग बता सकते हैं कि अनअकैडमी ज्वाइन करें, और अब वो कोड अगर इस्तेमाल करेंगे RSH10, अगर RSH10 कोड अगर उन्होंने इस्तेमाल किया बेटा, तो आप लोगों को 12 मंथ पे 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 24 मंथ पे 4 मंथ तक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, फ्लैट 10% डिस्काउंट के साथ। ये ऑफर आपके लिए है, और आइकॉनिक के ऊपर 24 मंथ पे 15% तक ऑफ है। कोड का इस्तेमाल करना है आपको RSH10, RSH10 कोड का इस्तेमाल करना है। और अनअकैडमी के फीचर से हम बात करें तो यहाँ पे लाइव क्लासेस है विद अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्सेज, जैसे टॉप के एजुकेटर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड रेगुलर डाउट काउंटर्स, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, सब कुछ अवेलेबल है। विच एवर यू नीड टू क्रैक द एग्जाम इज अवेलेबल हेयर बच्चे, ठीक है? तो फीस है बच्चे वो 24 मंथ की जस्ट है 25,000। ये 25,000 जो फी है बच्चे, इसको आप लोग कम कर सकते हैं RSH10 कोड लगा के, इट विल कन्वर्टेड इनटू दी 22,500। आप नीट की भी ले सकते हैं, नीट की जो फी है वो नीट की जो फी है बच्चे वो है लगभग 49,999। ये फी है नीट की, इसके अंदर भी आपको 4900, लगभग 5,000 का ऑफ RSH10 कोड लगाने में मिल जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना, और कोड कहाँ लगाना है, यहाँ पे कोड लगाना है, ठीक है? चलेंगे आगे। गुड इवनिंग बेटा अर्पिता, गुड इवनिंग अरविंद। एंड बच्चे आइकॉनिक एक बहुत अच्छा पैकेज है, जहाँ पे पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सेशंस, पेरेंट कनेक्ट, वीकली रिपोर्ट, स्टडी प्लानर और सारे बेनिफिट जो है प्लस के अवेलेबल है, ठीक है? 24 मंथ के लिए जो आपकी फी है वो है 48,000 या फिर 2,000 पर मंथ। 12 मंथ की जो फी है वो 28,000 है। ये सारी की सारी फी 10% से कम हो जाएगी अगर आपने कोड का इस्तेमाल किया RSH10, ठीक है बच्चों? चलेंगे तो बेटा, हमने कैंसर को कल पढ़ा था और आज हम कैंसर को एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर पढ़ेंगे अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। आज हम पढ़ेंगे कैंसर को रिवाइज करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग अंतेश बेटा, शेयर करो यार सारे सारे, क्या कर लो? लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस, लाइक एंड शेयर द वीडियो।
आ जाओ भाई, सारे आ जाओ जल्दी से। चलिए बच्चों, बड़ा कैंसर इज वन ऑफ दी ड्रेडियस ड्रेडिड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट इज अ मेजर कॉज ऑफ दैट ऑल अराउंड द ग्लोब। मोर देन अ मिलियन, ये बात ध्यान रखिए आप, मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाइंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया रिसर्च इन द बायोलॉजी एंड मेडिसिन। जो कैंसर का फैलने का मैकेनिज्म है और उसके द्वारा उसके अंदर दिए जाने वाला ट्रीटमेंट है, ये अभी बायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी रिसर्च का क्या है, कारण है, बहुत बड़ी रिसर्च का कारण है बेटा ये। हाय अंशिका, तनु सिंह बेटा क्या हो गया, थोड़ी देर में शेयर करेगा बेटा, जल्दी शेयर कर दे। चलो भाई, इन आर बॉडी सेल ग्रोथ इज डिफरेंशिएटेड एंड इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ है वो डिफरेंशिएटेड और हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड है। इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और हमारी बॉडी का जो कंट्रोल होता है सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन पे, जो कैंसर के अंदर ये चीज क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, ये रेगुलेशन क्या हो जाता है, इस रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है वो खत्म हो जाता है हमारी बॉडी से। The cell growth and differentiation is highly controlled and regulated, but in the case of cancer, it got disturbed. Normal cells show the contact inhibition property by the virtue of which contact with other cell inhibit the uncontrolled growth. Normal cell के अंदर क्या होता है, जब cell growth करता है तो वो दूसरे cell के contact में आता है, तनु सिंह, ठीक है, तो वो क्या करता है, divide करना बंद कर देता है, इसको बोलते हैं contact inhibition. Cancer cells appears to have lost this property. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल डिवाइड टू गिव राइज द मासेस ऑफ द सेल व्हिच वी नोन एज ट्यूमर। तो हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं बेटा। ट्यूमर बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक तो बेग्नेंट ट्यूमर और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, बेग्नेंट ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेग्नेंट ट्यूमर बच्चे एक ही जगह पे रहते हैं जहां पे वो हुए हैं, ठीक है, और वो बॉडी को कम डैमेज पहुंचाएंगे। वही मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो पॉलीफेट होते हैं, इनको नियोप्लास्टिक भी बोलते हैं और ट्यूमर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नियोप्लास्टिक सेल भी बोलते हैं। दे ग्रो वेरी रैपिडली एंड इनवेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, एज दीज सेल डिवाइड टू ग्रो दे स्टार्व द नॉर्मल सेल, और जैसे ही ग्रो करते हैं अगल बगल वाले सेल क्या करते हैं, स्टार्व करने लग जाते हैं। इस कंडीशन को मेटास्टेसिस बोलते हैं या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर भी इसको हम लोग बोल रहे हैं। तुम लोग देख सकते हो मेटास्टेटिक ट्यूमर, जैसे कि ये मान के मेटास्टेटिक ट्यूमर्स क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर है, ये है कैंसरस सेल। अभी कैंसरस सेल ओरिजिनली यहाँ पे हुआ था, ये ट्यूमर ओरिजिनल ट्यूमर बेटा यहाँ था, यहाँ पे ये कैंसर ट्यूमर हुआ था और ये यहाँ से ये ट्यूमर यहाँ पहुंच गया, यहाँ से ये ट्यूमर यहाँ पहुंच सकता है, तो इसको बोलते हैं मेटास्टेटिस मूवमेंट ऑफ द कैंसरस ट्यूमर। मूवमेंट ऑफ दी ट्यूमर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मेटास्टेटिस बोल रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। प्रवीण सुंदर, मेरी बात सभी को, आयुषी जहां आंचल, समझ रहे हो बात को, ये ब्लड सेल्स हैं, ये कैंसर सेल्स हैं, सही बच्चे ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर होते हैं कार्सिनोमास, सार्कोनोमास एंड ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोल रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सेल है और ये रहे कैंसर सेल जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ये करना है। ठीक है बेटा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैंसर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। अब हम ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंसर आज। कार्सिनोमा यहाँ पे क्या होता है, स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यू, स्किन और एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा, और ये 85% होते हैं सारे ट्यूमर। ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर होने वाले ट्यूमर्स का 85% हिस्सा कौन सा होता है, कार्सिनोमा का होता है। ठीक है, किसका होता है, कार्सिनोमा का होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रेन के एपिथेलियल सेल में हो सकता है, ओरल में हो सकता है, गैस्ट्रिक में हो सकता है, कोलोन में हो सकता है, ठीक
लंग में हो सकता है, सर्वाइकल में हो सकता है, अडीनो में हो सकता है, ग्लैंड ट्यूमर, यानी अडीनो ट्यूमर कौन से होते हैं, ग्लैंड ट्यूमर, या फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो ये हर जगह होते हैं एपिथेलियल सेल, तो ये हर जगह हो सकते हैं। क्यों भाई, अमायरा, अखिलेश, रूपेश, आयुषी, तनु, अंशिका, आंचल, सभी को समझ में आ रही है बात कि एपिथेलियल सेल जो है बेटा, एपिथेलियल सेल जो है ये बॉडी के हर हिस्से पे है। तो ये 85% ऑफ ऑल द ट्यूमर इज अ टाइप ऑफ कार्सिनोमा, वेदर इट कैन बी ब्रेन, ओरल, गैस्ट्रिक, कोलोन, लंग, सर्वाइकल, एडिनो, ग्लैंड, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे के सारे जो तरीके हैं ये कार्सिनोमा के अंदर। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर एंड प्रोस्टेट इन द मेल आर कॉमन इंसिडेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल एंड द प्रोस्टेट कैंसर इन द मेल इज द कॉमन कॉज ऑफ कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड। लंग कैंसर अकाउंट अबाउट 31% ऑफ ऑल द कैंसर डेथ इन मैन एंड 25% इन द वुमेन। लंग कैंसर जो है बेटा वो 31.1% चांसेस होते हैं कि जो मेल होता है उसके अंदर डेथ का, और 25% चांस होते हैं फीमेल के अंदर। ये मतलब डेटा है कि लगभग लगभग 31.1% जो मेल होते हैं जिनको लंग कैंसर होता है, लंग कैंसर से जाते हैं लंग कैंसर के बाद, और 25% फीमेल के अंदर। सर्वाइकल या यूटेराइन सर्विक कैंसर जो फीमेल के अंदर एंड मेल के अंदर, ओरल कैंसर कॉमन है इंडिया में। मेलानोमा इज अ टाइप ऑफ कार्सिनोमा, दिस कैंसर ग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट्स, अ टाइप ऑफ स्किन सेल। मेलानोमा क्या है, मेलानोसाइट्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन। व्हाई सर इट्स कॉमन, बेटा ये डेटा जो है कुछ सारे कैंसर पेशेंट्स के अंदर जो एवरेज निकल के आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। कॉमन तो बेटा जैसे माउथ का कैंसर क्यों कॉमन है, लंग का कैंसर क्यों कॉमन है, स्मोकिंग इसका एक बहुत बड़ा कारण है, च्यूइंग टबैको इसका एक बहुत बड़ा कारण है हिंदुस्तान के अंदर। समझ में आ रही है बात। गुड इवनिंग आराध्या, गुड इवनिंग बच्चे, आगे चलते हैं। अब कैंसर के टाइप की बात करें तो लंग कैंसर है, मेलानोमा है लंग, ठीक है, लार्सिन कैंसर है जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जाते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाते हैं, स्टोमक कैंसर है, बोन कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर। इन सभी ऑर्गन्स के अंदर अगर सेल अनलिमिटेड ग्रोथ शो करने लगे या अनकंट्रोल ग्रोथ शो करने लगे तो आप कैसे करेंगे इसको, इस टाइप में बांट सकते हैं आप। बेटा आप हनी को भूल गए, नहीं बेटा हम हनी को नहीं भूले हैं तनु। चले आगे तरफ बढ़ते हैं, सार्कोमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सार्कोमा की बात करते हैं। दिस इज एन मेसोडर्मल टिश्यू, एग्जांपल बोन फैट कार्टिलेज अबाउट 1% ऑफ ऑल द ट्यूमर। एग्जांपल की बात करें तो बोन कैंसर, ऑस्टियोसार्कोडर्मा उसको बोलते हैं, मसल कैंसर, माइकोसार्कोमा इसको बोलते हैं, लिम्फ नोड कैंसर, लिम्फोसार्कोमा। समझ गए सही बच्चे, बेटा लाइक एंड शेयर करो भाई। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकोसाइट WBC, और ब्लड कैंसर दिस इन दिस द WBC डिवाइड अनकंट्रोल्ड, ठीक है। ब्लड कैंसर में कौन सा सेल डिवाइड करने जाते हैं, WBC। WBC बता, मुझे पता है तू ही हनी है बेटा, मेरे को पता है तू ही हनी है, हनी बनी। दिस कैंसर ऑफ वाइट, ठीक है, ब्लड कैंसर के अंदर कौन सा सेल डिवाइड करने जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। क्रोनिक मैलिग्नोसिस ल्यूकेमिया, दिस इज फेटल कैंसर, अकर मेनली टू द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोमल सेकंड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल क्रोमोसोम नंबर 9। अगर क्रोमोसोम नंबर 22 और क्रोमोसोम नंबर 9 के अंदर ट्रांसलोकेशन फिनोमेना हो जाता है तो मैलिग्नसस कैंसर ल्यूकेमिया हो सकता है, जिसको CML भी बोल रहे हैं। इसका इलाज बेटा जीन थेरेपी से किया जाता है, ठीक है, इसका इलाज किससे किया जाता है, जीन थेरेपी से किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलेंगे आगे, फिर बात करेंगे ब्रूकेट्स लिम्फोमा। इसको डेनिस पार्सन ब्रूकेट ने 1956 अफ्रीका, दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 8 एंड क्रोमोसोम नंबर 14। तो ये जीन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बेटा, ये तुम्हारे क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक मटीरियल तक से ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ट्रांसलोकेशन होने से क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है कि क्या हो रही है, कैंसर का बहुत बड़ा कारण हो रहा है ट्रांसलोकेशन से। समझ गए, चलिए ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, ये नॉर्मल ट्यूब सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल
डिवीजन रेगुलेशन बाय प्रोटो ऑन्कोजेंस एंड इट सप्रेस बाय द ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, ये है प्रोटो ऑन्कोजेंस, ये क्या करेगा, इसको बोलेगा कि सेल डिवाइड। ठीक है, दूसरा होगा ट्यूमर सप्रेसर सेल और जीन रिलेटेड टू द प्रोग्राम ऑफ सेल डेथ। P53 जीन होता है जो कि सप्रेस करता है सेल डिवीजन। समझ में आ रही है बात? अब वही क्या होता है, अब यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर सेल को कोई इफेक्ट नहीं रह जाता। जब ट्यूमर सप्रेसर सेल को कोई इफेक्ट नहीं रह जाता बेटा, तब क्या करते हैं, ये अब नॉर्मल डिवीजन हो जाता है। समझ में आई बात? यहाँ पे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऑन्कोजीन ने क्या किया, अनकंट्रोल्ड डिवीजन किया। और यहाँ पे नॉर्मल में क्या हो रहा है कि ट्यूमर सप्रेसर क्या करता है, इसको आके बंद कर दे रहा है कि 1 से 4 साल बन गया, रुक जाओ भाई। ठीक है, दिया बोल रही है सर जी, हेलो तो बोल दो। हेलो बेटा दिया, कैसे हो, सही चल रहा सब? ठीक है, और अगर कैंसर कंडीशन में क्या होता है कि ये अब नॉर्मल और ट्यूमर सेल्स बनने लग जाएंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ होने लग जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसर सेल इफ द रेगुलेशन इज अपसेट, इफ द रेगुलेशन इज अपसेट। ठीक है, केमिकल और फिजिकल एजेंट दैट कैन कॉज कैंसर क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं। आयनाइजिंग एनर्जी क्या होती है, लाइक एक्सरे, गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, यूवी कॉज डीएनए डैमेज होता है जिससे। ठीक है, केमिकल कार्सिनोजन यानी कि जो टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होते हैं, लंग कैंसर कॉज करते हैं। वायरल ऑन्कोजेंस, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ब्लड एग्जामिनेशन से हो सकती है। ठीक है, एपीएफ पीएसए फॉर प्रोस्टेट, एपीएफ फॉर लिवर। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात होती है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू अ थिन सेक्शन एंड स्टेन एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। कैंसर टिश्यू एग्जामिनेशन इज कॉल्ड बायोप्सी, इसको हिस्टोलॉजिकल स्टडी, ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। ठीक है, रुपेश बेटा टाइम पे अगर ज्वाइन करेगा क्लास पता लग जाएगा ना, व्हाट इज ट्यूमर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स से जो मास प्रोड्यूस होता है उसको ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, एफएनएसी से हो सकता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कैंसर पता लगा सकते हैं। फ्लूइड इज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्यूमर एंड एग्जामिन फ्यू प्रेजेंट द कैंसर सेल, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, मैमोग्राफी। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, दीज टेक्निक आर यूज्ड, इंटरनल एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज नोन एज मैमोग्राफी, एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज मैमोग्राफी। ये याद रखना बेटा, नीट में पूछा हुआ सवाल है, मैमोग्राफी क्या होती है, एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज नोन एज मैमोग्राफी। समझ गए सही बच्चे बात को? बच्चों यार सेशन को लाइक और शेयर करो भाई, सौम्या जो बोल रही उसकी बात सुनो। सुजुका जी गुड इवनिंग, साक्षु वेरी गुड बेटा, रुपेश वेरी गुड, आयुषी झा वेरी गुड। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न टेक्निक बहुत सारी आ गई है, एंटीबायोटिक्स पता लगा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, और समझ गए, कुछ जीन से पता लग जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो हम लोग जानते हैं, जीन से पता लगा सकते हैं। तो ये सब मॉडर्न टेक्निक से, ये तुम्हारे फोन में इतना नहीं। सर्जरी से आप लोग इसको सही कर सकते हैं, रेडिएशन, कोबाल्ट थेरेपी, ठीक है, एक्सरेज, रेडिएशन, ये रैपिडली डिस्ट्रॉय करती है जो सेल बन रहे हो। ठीक है, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के अंदर अलग अलग तरीके की क्या दी जाती है बेटा, ड्रग दी जाती है, और ये एंटी कैंसर ड्रग होती है जो कि डीएनए से कैंसर होता है उसको स्टॉप कर रही है। ठीक है, डीएनए इन कैंसर सेल स्टॉपिंग देयर सेल साइकिल, उनकी सेल साइकिल को बंद करती है, जिसका नाम है विन स्ट्रीम। ठीक है, विनाका रोजिया प्लांट से मिलती है, विन प्लास्टिन, ये भी विनाका रोजिया प्लांट से मिलती है। तो इस प्लांट को, इसका नाम है कैंथरस रोजियस, इसको मानते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइक्लोफॉस्फोडीन, मेजोरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, अनीमिया, खून की कमी, ये सब इसे क्या है बेटा, साइड इफेक्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द थेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन एंड एंटी कैंसर ड्रग। ज्यादातर कैंसर को ट्रीट करने के लिए इन सभी का मदद लिया जाता है, और फिर क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं हम सभी को। ठीक है, दिया बना दिया है एक बच्चे ने, ये दिया जल रहा है। रात्रि वेरी गुड, युवराज गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे,
चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज के ऊपर हम लोग बात ओपियोड्स। ठीक है, ओपियोटिक रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं बेटा? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओपियट नार्कोटिक्स के बारे में तुम सभी ने सुना है या नहीं सुना बेटा? शेयर करो भाई से कोशिवालिया, केबीएम, कुणाल। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओपिएट्स के बारे में। एग्जाम्पल है हीरोइन, इसको जनरली बोलते हैं स्मैक। ठीक है, डाइस्टाइन मॉर्फिन का नाम है, जो वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन होती है। ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनती है, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से मिलती है, और ये स्नॉटेड यानी कि स्नॉट करने को बोलते हैं, नाक से खींचना किसी चीज को। ठीक है, स्नॉटेड यानी कि नाक से इसको खींचा जाता है, या फिर इंजेक्टेड, या फिर ये सीरिंज से शरीर में डाली जाती है। ठीक है, ये डिप्रेसेंट होती है, बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है बेटा। हीरोइन जो होती है, ओपिएट नार्कोटिक्स यानी कि ओपियोइड्स जो होते हैं बेटा, ये बॉडी फंक्शन को क्या कर देते हैं बेटा? स्लो कर देते हैं। बॉडी फंक्शन को क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं और डिप्रेसेंट होते हैं। ठीक है, तो मेरी बात, इसका नाम होता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनती है, ये बात ध्यान रखना आप सभी। समझ में आ रही बात हनी? चले आगे। अब ओपियोड्स के बाद बात करेंगे कैनाबिनोइड्स की। ठीक है, कैनाबिनोइड्स का भी रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं बेटा, और ये कैनाबिस सटाइवस, सभी को पता है ये नाम, कैनाबिस सटाइवस के इन्फ्लोरेसेंस से मिलती है बेटा। फ्लावर स्टेप लीफ रेजिन सबसे नशे हो सकते हैं इसके अंदर। मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब क्या है? कैनाबिनोइड्स है। ये सब क्या है? कैनाबिनोइड है, यानी कि दिमाग पे असर करते हैं, ओरल इंजेक्शन, या फिर सीधा मुंह से खा सकते हैं, या फिर इनहेलेशन यानी कि स्मोक भी कर सकते हैं। समझ में आ रही सभी को बात? कि एक फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस से कितने तरह की ड्रग मिलती है हमको? कैनाबिस सटाइवस से। कैनाबिस सटाइवस के अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजें मिल रही है बेटा। समझ में आ गई बात? और ये कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को, सिस्टम को क्या करती है? बॉडी के उसको अफेक्ट करती है। ये भी डिप्रेसेंट ही होते हैं एक तरीके से। समझ में आ गई बात बेटा? भांग जो है वो कैनाबिस सटाइवस की पत्तियों से बनती है। ठीक है, चरस फीमेल सटाइवस से बनती है, लीव से बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं, ये सारे फैक्टर यहाँ से। चलो बस अब बात करेंगे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज यानी कि कोका एल्केलॉइड्स। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज की बात करेंगे, कोको एल्केलॉइड्स की हम लोग बात करें। ब्रेन बेटा, ब्रेन करण मोद ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं बच्चे। सभी के मैं एक बार डाउट ले लेता हूँ, तो सभी बच्चे अपने अपने डाउट ले सकते हैं। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी कैन नॉट बेटा? ब्रेन, करम, ब्रेन। सर डिप्रेसेंट और स्टिमुलेट में क्या फर्क होता है बेटा? डिप्रेसेंट बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है, और स्टिमुलेंट बॉडी फंक्शन को तेज कर देता है। माने कि स्टिमुलेंट लेने के बाद तू ज्यादा एक्टिव हो जाएगा जरूरत से ज्यादा, और डिप्रेसेंट लेने के बाद तू स्लो हो जाएगा। और कोई डाउट? बच्चों और कोई डाउट? अखिलेश बेटा बता तो दिया तेरे को। तेरे लेवल पे इतना बहुत है बेटा। सलोनी हेलो, चलें आगे। अब बात करेंगे हम लोग कोकेन के बारे में। ठीक है, ये कहाँ से मिलती है? कोका से मिलती है, कोका प्लांट, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्रोजाइलम। कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम, साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है ये। ठीक है, कोक भी इसको बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, इसको भी स्नॉट किया जाता है जैसे हीरोइन को किया जाता है। ये सीएनएस को इफेक्ट करती है, और यूफोरिया
एंड इंक्रीज द एनर्जी। देख ले बेटा, यूफोरिया मतलब जो नहीं है वो भी दिख रहा है, सब कुछ अच्छा, फीलिंग ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। कि आज तो गाड़ी तेरा भाई चलाए, समझ गया सही बच्चे बात को? बोलो भाई। मस्ती तो कर रहे बेटा, बच्चों को मस्ती तो चाहिए। हेलो बच्चों, समझ गए? और अगर ज्यादा डोज लिया है तो हेलुसिनेशन, मतलब जो है नहीं वो भी दिखाई दे, ठीक है बेटा, हेलुसिनेशन हो जाएगा। अगर ओवर डोज हो जाती है तो क्या होता है, हेलुसिनेशन हो जाता है। अगर ज्यादा डोज हो जाती है तो हेलुसिनेशन हो जाता है, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना यानी कि धतूरा प्लांट से मिलती है, विच हैज हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। एट्रोपा बेलाडोना धतूरा जो है प्लांट विच हैव द हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, याद रखना इसे बात। राधिका, एट्रोपा बेलाडोना का नाम याद रखना, नीट में पूछा हुआ नाम है। यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई है, आगे चले। क्लियर है बेटा, आयुषी, वेरी गुड। चलो यूजफुल ड्रग्स की बात करते हैं हम लोग। कुछ यूजफुल ड्रग्स होती है जैसे कि बारबिट्यूरेट्स, ठीक है, एम्फेटामाइंस, ठीक है, बेंजोडाइअज़ेपिन्स, ठीक है, ये सब क्या है, लाइसर्जिक एसिड। ये लाइसर्जिक एसिड LSD का बेटा क्या किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। इसका क्या किया गया है, दुरुपयोग किया गया। अब ड्रग अब्यूज का मतलब क्या है, ड्रग अब्यूज का मतलब है कि जब ड्रग जो है, क्या मतलब है बेटा ड्रग अब्यूज का, अब्यूज जो वर्ड है वो गलत सेंस में यूज होता है। अब्यूजिंग मतलब किसी को गलत करना, किसी गलत गलत बोलना, यही होता ना वर्ड अब्यूज का मतलब, यही होता ना बेटा। तो ड्रग अब्यूज क्या है बेटा, क्या ड्रग किसी को गाली दे रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रग अब्यूज बच्चों? What is the meaning of drug abuse? कौन बच्चा मुझे बताए? अभी तो मैंने तुम सबको ड्रग के बारे में बता दिया कि ये ड्रग होती है, ये इसका इफेक्ट होता है, ऐसे इसका ली जाती है, और ये क्या होते हैं? मिसयूज करना, किस तरीके से मिसयूज होगा बेटा, एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग, किस तरीके का मिसयूज, मतलब मिसयूज तो कई सारे हैं, ड्रग का खरीद के फेंक देना भी मिसयूज है। सर जो ज्यादा नशा चढ़ा लेता है, अच्छा सलोनी बेटा ये तो बात सही है, मिसयूज, बट मिसयूज किस तरीके से हो, मतलब किस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि वो मिसयूज हो जाए, एक क्राइटेरिया देना पड़ेगा ना हमको। एक्सेसिव यूजिंग भी कई बच्चे बोल रहे हैं, अगर एक्सेस में यूज किया जाएगा तो मिसयूज है। इन व्हाट सेंस बेटा, मतलब एक्सेस यूज कैसे, ओवरडोज, मान लो कि सेलेडोन की अगर ओवरडोज ली जाए तो क्या वो ड्रग अब्यूज है? क्या क्रोसिन की दो गोली लेके चार गोली खा ली जाए दिन भर में तो क्या वो ड्रग अब्यूज है? मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से। हैबिचुअल ऑफ टेकिंग इलीगल ड्रग, अच्छा इलीगल ड्रग, एक बच्चे ने बोला है, सब कुछ इलीगल है बेटा ड्रग। अब जैसे कि अल्कोहल तो लीगली बिक रहा है, ठीक है, फिर बेटा ये बात सुनो, मैं बता रहा हूँ तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे, कि क्या होता है कि जब कोई ड्रग अदर देन द पर्पस ली जा रही है, अदर देन द पर्पस का मतलब क्या है, अब LSD का पर्पस है कि वो मेंटल डिप्रेशन और इंसोमेनिया को ट्रीट करने के लिए ली जाती है, ठीक है। कई कैनाबिस ड्रग भी क्या की जाती है, मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में दी जाती है, बट क्या हो जाता है बेटा, कभी कभार क्या हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा
चंद्र प्रकाश यादव बोल रहे हैं सर प्लीज टेल मी बेटा गो टू अनअ डाउनलोड अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल इट एंड यूज द कोड RSS10 एंड टेक अ सब्सक्रिप्शन देयर यू विल गेट अ 10% ऑफ। ठीक है बेटा चंद्र प्रकाश यादव। अब क्या है बेटा डॉक्टर ने लिख दी ड्रग, अब उसका जो प्रिस्क्राइब है अदर देन द स्पेसिफिक यूज, अगर आप ड्रग को यूज कर रहे हैं तो वो ड्रग का अब्यूज है, समझ गए बात को। अगर उसकी लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा यूज किया जा रहा है तो वो ड्रग का क्या है अब्यूज है। बिना बीमारी भी ड्रग ली जा रही है तो वो ड्रग का क्या है अब्यूज है। ठीक है बेटा तो अदर देन द प्रिस्क्राइब पर्पसेस इफ वन इज टेकिंग द ओवरडोजेस ऑफ द ड्रग देन इट इज द मिसयूज और द अब्यूज ऑफ दैट ड्रग। ये बात आप लोग ध्यान रखे चलिए, समझ में आ गई बात। सभी को बात समझ में आई है नहीं आई बेटा फटाफट से मुझे एक बात बताएंगे, सभी को बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। बेटा सस्ता महंगा ये सब बातें क्या हैं, खराब बातें, ये मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए। अब मॉर्फिन क्या है, सीडेटिव है, पेन किलर है, सर्जरीज के दौरान दी जाती है ये मॉर्फिन। अब मॉर्फिन का देखो बेटा जो मेन यूज है वो है कि ये सीडेटिव और पेन किलर है, सर्जरीज में काम आती है। बट लोबा क्या कर रहे हैं, लोबा क्या कर रहे हैं इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। ठीक है तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है बॉडी के ऊपर, बहुत ज्यादा खराब है। और उसका जो रियल यूज है उसके अलावा लेने से क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं ड्रग अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है अब बात करेंगे स्मोकिंग टबैको से क्या होता है। ठीक है बेटा जिंदगी धुएं में उड़ाने वाले लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पे ध्यान दिया जाए। ठीक है यहाँ पे बहुत सख्त है कि ध्यान दें। भावेश बेटा एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना क्या कितना कुछ करेगा। बात करेंगे टबेको स्मोकिंग से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रॉट, ये कैंसर होता है। ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एम्फाइसीमिया हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। ये सारे के सारे डिजीज बेटा स्मोकिंग से हो सकती है, ये सारे के सारे डिजीज क्या हो सकती है स्मोकिंग से हो सकती है। समझ आई बात, समझ लो सभी, बोलो भाई। एक स्मोकिंग करने से सिर्फ लंग कैंसर नहीं होता है, नीट का पूछा हुआ सवाल है, स्मोकिंग करने से कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रॉट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमिया, कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में छाले, ये सब चीजें भी हो सकती है। सलोनी बोल रही है अरे मैं 1000 बार सॉरी बोल चुकी हूँ, क्या हो गया बेटा ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो सॉरी बोलने वाले, क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, इतनी मुश्किल से वो पढ़ाया जा रहा है, तुमको पता है कि ये सारे डिजाइन करने में कितना टाइम लग जाता है मेरे को। ठीक है 2 से 3 घंटे लग जाते हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस PPT में डालने में, और तुम यहाँ पे मैं 1000 बार सॉरी बोल चुकी, मैं 50 बार सॉरी बोल दिया, तुम उसको क्या बोल रही हो, तुम उससे क्या कर रही हो, ये सब चीजें बेटा ना करो। आपका फ्रेंड नाराज है तो बेटा फ्रेंड को घर पे जाके मनाओ बेटा, ये क्लास के अंदर फ्रेंड को मत मनाओ बेटा। ठीक है वरना आपको और फ्रेंड को दोनों को यहाँ से क्लास से उठा के बाहर कर दिया जाए, ये बात आप समझो बेटा कि ये जो है ये आप लोग इंसल्ट कर रहे हो क्लास, यू आर इंसल्टिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास दैट यू आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल रिलेशनशिप एंड द गोल्स ऑन द चैट बॉक्स। You are convincing your friend who is angry with you is not the right platform here. You can't convince a friend who is angry on the open platform or a public platform like this and in front of a good teacher who is doing everything to make your future brighter and happier. But the concern is here is that friend who is not doing good right now, bachcho. ठीक है समझ रहे हो बात को, तो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब करो बट जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई, समझ में आई बात सभी को, समझ गया बेटा। जो भी दोस्त नाराज है बेटा 1000 बार सॉरी बोलने के बाद तो मान जा भाई, 1001 बार सॉरी बोलेगी फिर क्या मतलब, समझ गया बात को सही बच्चे।
आरवी हाय बेटा, हाय एवरीवन। समझ गया सही बात को? चलिए वेरी गुड सलोनी बेटा, मैं तेरी सलोनी बोले सर मेरी बात छोड़ो, तो बेटा तेरी बात छोड़ी हुई है तो ये तू छोड़ ये सब बातें, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, मेरा तो क्या है, समय है सीमित जो तुम लोगों के साथ बिताना होता है रात को 8 समय, ताकि तुम लोग पढ़ो तो पढ़ो, ये तुम्हारी इच्छा पे है, वरना तो मैंने तो छोड़ा हुआ ही है बेटा, मैंने कहाँ किसी को पकड़ा है। चलो तो दिया और बाती, आगे बढ़े हम लोग जीवन साथी। अभिषेक कुमार बहुत बढ़िया बेटा, चलो कोई बात नहीं। बच्चों लाइक एंड शेयर गाइस। अब अल्केलॉइड की बात करें तो बेटा अल्केलॉइड स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनिन एंड नॉन एड्रेनिन इन द ब्लड, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हाइट हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? अब आराध्या को देखो, आराध्या का इंटरेस्ट ये है कि दिया बाती कौन है ये बताओ। अरे भाती भाती के लोगों, बाती में इंटरेस्ट मत करो, ये जो बत्ती जल रही है सामने स्क्रीन पे उस पर इंटरेस्ट शो करो बेटा। सर लव शो, लव शव से दूर रहना चाहिए। तो सलोनी मैं तो बोल ही रहा हूँ बेटा, तू ही 1000 बार सॉरी बोल रही है। चल दिया अकेली है, बाकी कोई नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड बेटा। चलें अफजारी खातून, हेलो बच्चे। सर पेट ने चले को क्या बोलते हैं? सर पेट में छाले को बेटा पारस बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में होने वाले छालों को बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, ये रहे पेट में होने वाले छाले। पेट में होने वाले छाले को क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है सर, टाइम चला गया, क्लास स्टार्ट और क्या स्टार्टेड है बेटा, क्लास तो चल ही रही थी, तूने बीच में धमाका किया है कोई वजह से, मेरे को कमेंट, मैं कमेंट बॉक्स बहुत देर से देख रहा था, मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे यस सर गॉट इट बोल रहे हैं, और एकदम से मेरे को 4-5 बार कमेंट मिले ये 500 और 1000 सॉरी के, तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, सर को डिस्टर्ब कर दिया, हनी बोले सर को डिस्टर्ब कर दिया। चलो भाई सभी को यहां तो समझ में आ गया। चलो बिल्कुल ला रहा बेटा, कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 मिनट तो रुक, एक बार जो भटक गए हैं बच्चे उनको राह पे तो ले आओ, खुशी वा लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल के बारे में बात करते हैं बेटा। अल्कोहल किसको अफेक्ट करता है? अल्कोहल किसको अफेक्ट करता है बेटा? सेरिबेल। किसको अफेक्ट करता है? सेरिबेल। उससे क्या होता है? अनकोऑर्डिनेटेड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ठीक है, तो वो एक गाना है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तो
गाने के अंदर जो बोतल नहीं नाच रही है बेटा, उसका कारण ये है कि बोतल के पास सेरिबेलम नहीं है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखो, आपके शराब जो है बेटा वो अब्जॉर्ब कहाँ पे होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है, ये सवाल पूछा हुआ है नीट के अंदर। कहाँ पे होती है अब्जॉर्ब? मीथेनल। कहाँ पे होती है? स्टमक में अब्जॉर्ब होती है, ठीक है बच्चे? समझ में आई बात? इससे क्या लूज मूवमेंट, बेटा लूज मोशन नहीं होता है। तूने देखा नहीं क्या कभी मूवीज वगैरह में? देखा होगा ना कि जो एक्टिंग भी करते हैं अल्कोहल लेने के बाद, तो दे यूज टू वॉक लाइक दिस, कि यहां से चालू होंगे, ये है हमारे, ये एक हमारा शराबी दोस्त है, ठीक है? यार मोहब्बत धोखा है, इसको ये बात पता चली, हाथ में बोतल है, तो ये कैसे चलेगा? इसको चलना चाहिए सीधा, पर ये कैसे चलेगा? यू चलेगा, यू चलेगा, यू चलेगा, यू चलेगा, यू चलेगा, यू चलेगा, यू चलेगा बेटा, ठीक है? ये सीधा नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि अल्कोहल ने सेरिबैलम को अफेक्ट किया, और सेरिबैलम क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है आपके वॉलंटरी मूवमेंट को, बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है? बैलेंस ऑफ बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जब बैलेंस ऑफ बॉडी नहीं रहेगा, यानी कि टंग यानी कि बोलना और चलना दोनों किससे अफेक्टेड होता है? बोलना और चलना अफेक्टेड होता है सेरिबैलम से। समझ आ रही है बात? तो जो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, ना तो उनसे बोला जाता है सही से, ना उनसे चला जाता है सही से, ठीक है? और अल्कोहल पीने से कौन सी बीमारी होती है? अल्कोहल पीने से होती है लीवर कायरोसिस। लीवर कायरोसिस हो जाती है हार्टिंग ऑफ द लीवर सेल्स, लीवर काम करना बंद कर देता है बेटा, समझ रहे हो? मोनिका जी हाय बेटा। रोनियन मोशन, समझ गए थे बच्चे बात को? और जब अल्कोहल छोड़ी जाती है, तो कोई भी ड्रग अगर छोड़ी जा रही है, वेन एवर वन अब्स्टेन इटसेल्फ फ्रॉम टेकिंग द ड्रग, और लत लगना किसको बोलते हैं बेटा? व्हाट इज लत लगना? मुझे तो तेरी लत, तेरी लत, तेरी लत लग गई, उसके अंदर जो लत शब्द का मतलब है वो क्या है बेटा? बोलो भाई। पूनम जी, राजपूत, अब्जारी, सलोनी, आयुषा, आनवी, लारा, क्या मतलब है लत लग जाने का? इश्क कर लो बेइंतहा किताबों से, क्योंकि एक यही है जो धोखा नहीं देता। क्या बात है दिया, तुमने तो आज बत्ती जला दी, क्या बात, बताओ मुझे एडिक्शन, व्हाट इज एक्चुअली एडिक्शन? बेटा मुझे हिंदी से इंग्लिश अनुवाद मत करो बेटा, हिंदी से इंग्लिश अनुवाद मत करो। एडिक्शन मुझे लत लगने का मतलब एडिक्शन होता है, मुझे तो तेरी एडिक्शन 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 हो गई, ये थोड़ी गाना है, ठीक है? वो तो मुझे पता है बेटा, अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ा हुआ है मैंने भी, मुझे एडिशनल है स्टडी सा, मुझे एडिक्शन है स्टडी का। अच्छा मुझे बताओ बेटा, आदत, आदत तो बहुत सारी होती है, आदत तो बहुत सारी होती है बेटा, आदतें तो बहुत सारी होती है, उसको तो एडिक्शन थोड़ी बोलते हैं। कैरियर ही सब कुछ है, इश्क नहीं, क्या बात, लव गुरु सलोनी। यूज टू बेटा, व्हेन व्हेन अ वन कैन नॉट फाइंड समथिंग एंड दैट क्रिएट्स क्रेविंग, क्रेविंग मतलब क्या होता है? क्रेविंग मतलब क्या मतलब होता है क्रेविंग का? एडिक्शन मतलब रेगुलर रिक्वायरमेंट, रेगुलर रिक्वायरमेंट तो फूड की भी है, तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि हमको फूड से एडिक्शन है? रेगुलर रिक्वायरमेंट तो बेटा फूड की भी है, तो व्हाई कांट वी से दैट वी आर एडिक्टेड टू फूड?
Addiction is a physiological attachment to something. Very good, Lara. Very good, beta. दिल मांगे मोर. रिया बोल रही है सर क्रेविंग मतलब होता है दिल मांगे मोर. क्या बात है पेप्सी. क्रेविंग मतलब क्या होता है बेटा. एडिक्शन और क्रेविंग का मतलब होता है कि जब किसी चीज को लेने की इतना ज्यादा मन करे कि आप अपने डेली नॉर्मल फंक्शन भी ना कर पाए. When the one is unable to perform the normal daily activity without consuming a certain type of drug, the condition is known as addiction. And whenever one abstains that, और जब भी कोई कुछ छोड़ता है तो anxiety होती है, shakiness यानी कि हाथ पांव हिलते हैं, nausea चक्कर आते हैं, sweating ये सारी चीजें उसको होती है. और सर मुझे डांस की एडिक्शन है, म्यूजिक ऑन करते ही मेरा तो जॉब क्या है. एडिक्शन नहीं है, म्यूजिक ऑन होते ही डांस आ रहा. ये तो बहुत गलत एडिक्शन है बेटा. फिर तो दिक्कत हो जाएगी. या तो फिर तो मान लो कि रास्ते में चल रहे हो किसी गाना बजा दिया आपने. ये तो गलत एडिक्शन है. किसी भी चीज की एडिक्शन नहीं होती सर. कर्विंग मतलब तड़पना. किसी को सिंगिंग की एडिक्शन है, किसी को फूड की एडिक्शन है, किसी को डांस की एडिक्शन है. भैया किसी को पढ़ाई से भी मतलब है. बायोलॉजी के चैप्टर 8 में एडिक्शन टॉपिक भी है. बिल्कुल बेटा लारा वही है. ये चैप्टर 8 ही पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है. रोड पे नाचो. क्या बात है. बारात चल रही है. बारात चल रही है यहाँ पे जो रोड पे नाचे सारे. सर मुझे नोवल पढ़ने की एडिक्शन है. नोवल पढ़ती है नोवल बेटा. नोवल कब पढ़ते हैं. जब हमने सारा कोर्स पढ़ लिया हो तब पढ़ते हैं नोवल. ऐसे नोवल पढ़ेंगे तो नोवल हो जाएंगे हम. हमारे पर नोवल लिखना पड़ जाएगा किसी. बायो से एडिक्शन है आयुषी को. वेरी गुड. शान भी बोल रही है पागल होकर नाचो. बेटा क्यों बेटा क्या बात हो गई. पागल होकर नाचने वाली क्या बात हो गई. मेरे बच्चे हैं. माता पिता ने इतने प्यार से पढ़ा लिखा के पढ़ा किया है. बायोलॉजी दिलाई है. डॉक्टर बनाने का सपना है और पागल होके नाचोगे रोड पे. दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा. भयंकर दिक्कत हो जाएगी. भावना परियार हाय बच्चे. बायो से बहुत बच्चों का एडिक्शन. बायो मतलब होता है लाइफ. भाई लाइफ से तो एडिक्शन होना ही चाहिए एटलीस्ट. चले भाई सौरभ जी. तो बेटा जब भी किसी भी चीज को आप अगर कोई रेगुलर कंजप्शन करने के बाद एकदम से छोड़ेगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम होंगे. उस विड्रॉल सिम्टम में एंजाइटी भी है, शेकीनेस भी है, नौजिया भी है और स्वेटिंग भी है. ये सारे सिम्टम कब होंगे. जब एकदम से कोई किसी चीज को लेना छोड़े. सलोनी बोल रही सर आप कमेंट मत देखो आपका ब्रेन हाईजेक हो जाएगा. मेरा ब्रेन हाईजेक बेटा कर लो अगर तुम लोग कर सकते हो. मैं तो चाहता हूँ कि तुम में से कोई मेरा ब्रेन हाईजेक कर ले और बायो के अंदर नीट में पास हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात है. मैं तो बेटा किराए पे दे दूँ मेरा दिमाग. पढ़ लो. ठीक है बच्चे. आपको स्टडी से एडिक्शन है कुणाल. ये सफेद झूठ मत बोल बेटा. स्टडी से किसी बच्चे को एडिक्शन हो ही नहीं सकता. सर मैं तो जेई एस्पिरेंट हूँ. अच्छा तो चलिए बेटा. तो ये था आपका ड्रग अब्यूज. ठीक है. जिसके अंदर हमने अलग अलग ड्रग. अब आप लोगों को क्या करना है. आप लोगों का होमवर्क क्या है. यहाँ पे आप सभी का होमवर्क ये है कि आप लोगों को जितने भी डायग्राम दे रखे हैं, स्ट्रक्चर दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज के अंदर, उसको पढ़ना है और याद करना है. उसको क्या करना है बेटा. पढ़ना है और याद करना है. सही बच्चे समझ गए. बोलो भाई.
एनसीईआरटी की रीडिंग्स आप सभी को लगानी है, और कल सुबह 12 बजे शनिवार क्विज होने वाला है ह्यूमन फैक्टर डिजीज, ठीक है। कल सुबह 12 बजे शनिवार क्विज होने वाला है ह्यूमन फैक्टर डिजीज का। बच्चों लाइक नहीं किया किसी ने भी सेशन यार, आज 25 लाइक, इतना कम लाइक। कल है बेटा 12 बजे क्विज। रीति बोल रही था ज्वाइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बेटा रीति बहुत लेट, फर्स्ट टाइम में बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा, थोड़ा जल्दी ज्वाइन करना चाहिए। मजा आ गया तो बेटा लाइक करो भाई सारे के सारे, शेयर करो भाई सारे के सारे। और कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको स्पेशल पे बेटा क्विज नहीं है यूट्यूब पे, ये कल तो 12 बजे क्विज स्पेशल पे हम लोग मंडे से क्लासेस चालू करेंगे। और प्लस सलोनी बेटा प्लस पर हैं, प्लस पर आप लोग की क्लासेस जो है वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मंडे से जो है वो कोर्स प्लान करके आप लोगों को डाला जाए। आई एम प्लानिंग टू बिल्ड टू शेड्यूल आ कोर्स फ्रॉम मंडे एंड द कोर्स विल बी ऑन द सेल बायोलॉजी। जो भी बच्चे मेरा प्लस कोर्स देखना चाहते हैं वो सही बच्चे आर एस स्टैंड को लगा के सब्सक्रिप्शन ले लो। मैं तो तुम सभी को बोल रहा हूँ, पर्सनल भी बोलता हूँ, वैसे ही बोल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लो, ताकि आप लोगों की जो स्टडीज है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, ऑसम हो जाए। अगर आपको कोई रिपोर्ट कोई भी ऐसी चीज लगती है जो कि इनअप्रोप्रिएट है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो बग्स बाउंटी के अंदर, ठीक है। और यू कैन ज्वाइन द क्विज बाय यूजिंग दिस कोड RSH10। तो RSH10 कोड का इस्तेमाल करके बेटा आप लोगों को बहुत सारे फायदे हैं। 12 मंथ पे 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस मेरी पर्सनल मेंटरशिप में रहोगे तो इधर उधर भटकोगे भी नहीं, इधर उधर भटकने में देता नहीं हूँ किसी बच्चे को। जो एक बार RSH10 कोड लगा के पढ़ना चालू करता है फिर वो सिर्फ पढ़ाई ही करता है, इधर उधर उसको जाने नहीं दिया जाता। थैंक यू सो मच। जब तक तेरे शरीर पे सफेद कोट नहीं आ जाएगा जब तक बेटा। सब्सक्रिप्शन चार्जेस आर वेरी नॉमिनल फॉर 24 मंथ, इट्स जस्ट 25,000। या फिर मैं बोलूं अगर ये वाला कोड लगा देगा तो तू 22,500 ही हो जाएगा, ठीक है। ये है 24 मंथ का, 2 साल, ठीक है। कार अपडेट और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप लोग मेरे पर मेल तक पहुंच सकते हो, तो मेरे तक पहुंचो। और किसी को कोई भी दिक्कत है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करो, और जिसको अगर पढ़ने में दिक्कत है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अनअकैडमी पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से वहां पे तुम लोग बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये कोड है मेरा जिसका इस्तेमाल करके तुम लोग अनअकैडमी पे कुछ भी ट्राई कर सकते हो फ्री में, ठीक है। ये कोड लगा के तुम लोग कुछ भी ट्राई कर सकते हो फ्री में। तो बच्चों जिस जिस बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है फटाफट से कोड का इस्तेमाल करो, सब्सक्रिप्शन लो। लारा सलोनी बेटा समझ गए बात को, आराध्या दिया वेरी गुड, कार अपडेट ठीक है बेटा, ले लेना है सब्सक्रिप्शन और कोड लगाना है RSH10, ठीक है बच्चों। इस सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपडेट करो। अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करो। लेट्स क्रैक इट बच्चों, कल मिलेंगे हम लोग 12 बजे, ठीक है। शनिवार क्विज है, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट बच्चों। बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई होप तुम सभी को समझ में आया होगा, तो इस सेशन को जरूर से लाइक करिएगा बेटा, शेयर जरूर से करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जो भी है सभी के साथ शेयर करो। और अनअकैडमी पे आओ और मेरे साथ पढ़ाई करना चालू करो और कोड का इस्तेमाल करो RSH10। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।